सबसे पहले उज्जैन की तरफ रुख करेंगे। खबर मिल रही है कि यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर रवाना हो गई है। तो विकास को उज्जैन कोर्ट में पेश नहीं किया गया। चार्टर्ड प्लेन से एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर रवाना हो गई है। उज्जैन कोर्ट में पेश करने के बजाय पुलिस ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई और वहीं से एसटीएफ की टीम विकास दुबे को लेकर यूपी रवाना हो गई है। चार्टर्ड प्लेन से लेकर एसटीएफ रवाना हो गई है। इस खबर पर ज्यादा चर्चा के लिए इस वक्त हम हमारे संवाददाता जुगल किशोर की तरफ सीधे रुख कर रहे हैं। जुगल, एक तो ये कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई, इसकी वजह आपसे जानना चाहेंगे, और दूसरी बात ये कि अब ज्यादा पूछताछ मध्य प्रदेश में हुई नहीं, अब उसकी रवानगी यहां से हो गई है। देखिए, मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की कोई पेशी नहीं हुई है, ना ही उनको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी कराई गई है, ये बहुत स्पष्ट है। मध्य प्रदेश पुलिस में किसी प्रकार की कोई गिरफ्तारी उसकी नहीं की है, क्योंकि यहाँ के किसी केस का वो वांटेड नहीं था। उसको हिरासत में लिया गया था। हिरासत में लेने के बाद यूपी पुलिस उसको लेकर रवाना हो गई है। बाय रोड यूपी पुलिस उसको लेकर कानपुर जा रही है, और ये बहुत स्पष्ट हो गया है कि उसकी भोपाल मध्य प्रदेश में किसी प्रकार की गिरफ्तारी नहीं हुई। यूपी एसटीएफ की टीम पहुंच चुकी थी उज्जैन, और उज्जैन से अब उसको लेकर रवाना हो गई है लखनऊ या कानपुर, जो भी थाना लखनऊ के लिए रवाना हुई है, या संभव है कानपुर ले जाएंगे उसको। तो अभी इसको लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश से उसको लेकर रवाना हो गई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पेशी नहीं हुई है। पुलिस पूछताछ में कई अहम खुलासे उसने किए हैं। एक शराब कारोबारी के यहाँ मैनेजर जो है उसके यहाँ ये रुका था, ये बात को स्पष्ट हो गई है। हालांकि विकास दुबे इतना शातिर है कि लगातार वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। उसने कई बार इस बात को बोला कि मैं इस शराब कारोबारी का जो मैनेजर है इसके यहाँ रुका था, लेकिन शराब कारोबारी का मैनेजर लगातार इस बात से इनकार करता रहा। पुलिस उसके जो तमाम जो उस बातें उसने बताई हैं, पुलिस अभी फिलहाल उस पर यकीन नहीं कर रही है। पुलिस पहले वेरीफाई करेगी पूरे घटनाक्रम को, वेरीफाई करने के बाद ही यूपी एसटीएफ को कोई जानकारी देगी। लेकिन इस पूरे मामले में कोर्ट में पेशी इसलिए नहीं हुई है क्योंकि वो मध्य प्रदेश में किसी भी मामले में वांटेड नहीं था। दूसरा, यहाँ उसकी गिरफ्तारी नहीं हुई है। कोई भी अपराधी जब गिरफ्तार हिरासत में होता है तो उसको 24 घंटे हिरासत में रखा जा सकता है। 24 घंटे हिरासत में रखने के बाद उसको संबंधित कोर्ट में पेश करना पड़ता है। तो इस 24 घंटे का जो कैलकुलेशन है उसके मुताबिक 24 घंटे के अंदर वो कानपुर पहुंच जाएगा और वहां संभव है उसकी कोर्ट में पेशी होगी। तो ये बहुत स्पष्ट है कि मध्य प्रदेश में उसकी कोई अपराध नहीं था, तो इसलिए किसी प्रकार की पेशी नहीं है, और यूपी एसटीएफ उसको लेकर रवाना हो गई है। लगातार वो पुलिस को गुमराह कर रहा है। जो भी मध्य प्रदेश पुलिस ने उससे पूछताछ की है, उस पूछताछ का मकसद यही था कि मध्य प्रदेश में उसका संरक्षक कौन था, किसके सहारे वो यहाँ रुका था, किसने उसको यहाँ संरक्षण दिया था, क्या ये पूरी एक कोई सोची समझी साजिश तो नहीं है। जो पूरा घटनाक्रम है उससे यही लग रहा है कि एक पूरी सोची समझी साजिश के तहत वो बाबा महाकाल के दर पर आया था, और वहाँ आके उसने अपने आप को विकास दुबे कानपुर वाला घोषित किया, मतलब उसने अपने आप को वहाँ सरेंडर किया सार्वजनिक रूप से, ताकि उसका किसी प्रकार से एनकाउंटर ना हो सके। जान बचाने के लिए उसने इस तरह से पूरा नाटकीय घटनाक्रम रचा है, और उसके बाद वो पुलिस के पास पहुंच गया, मतलब एक तरह से पुलिस की कस्टडी में आ गया है। अब वो यूपी पुलिस के हवाले है, और अब अगले आगे की पूछताछ उससे यूपी पुलिस करेगी। चलिए जुगल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किसी भी तरह की पेशी विकास दुबे की उज्जैन कोर्ट में नहीं कराई गई, ना कोर्ट में पेश करने की बात सामने आई, ना ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोई पेशी कराई। जो कुछ पूछताछ अब तक मध्य प्रदेश पुलिस के अधिकारी विकास दुबे से कर रहे थे, अब वो वहीं पर रुक गई है, क्योंकि एसटीएफ यूपी एसटीएफ की टीम विकास दुबे को चार्टर्ड प्लेन से लेकर रवाना हो गई है। अभी एक साफ नहीं हो पाया है कि चार्टर्ड प्लेन ने लखनऊ के लिए उड़ान भरी है या फिर कानपुर के लिए उड़ान भरी है। संभवतः जहां पर भी उसको ले जाया जाएगा, लखनऊ या कानपुर, वहां पर यूपी पुलिस उसकी पेशी कराकर उसको रिमांड पर लेकर आगे पूछताछ की कार्रवाई बढ़ाएगी। बहरहाल, मध्य प्रदेश में जिन अफसरों ने उससे पूछताछ की है, लगातार इस तरह की खबरें मिल रही हैं कि वो मध्य प्रदेश पुलिस को गुमराह करने की कोशिश कर रहा था। मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार इस बात की तस्दीक करना चाह रही थी कि यूपी की बॉर्डर क्रॉस करने के बाद विकास दुबे उज्जैन तक कैसे पहुंचा, क्या उसे किसी का संरक्षण प्राप्त था, या उसके खुद के ऐसे
संबंध थे, किन लोगों से संबंध थे, किस तरह के वो लोग थे, क्या अपराधी थे या किसी और तरह के लोग थे, किस तरह से वो तमाम सीमाओं को पार करते हुए उज्जैन तक पहुंचा, कई जिलों की सीमाएं पार की और यहां तक कि जब वो मध्य प्रदेश में घुसा था उस समय उसने यूपी सीमा भी पार कर मध्य प्रदेश में एंट्री ली थी। आपको बता दें कि जिस वक्त इनपुट मिला था कि विकास दुबे चंबल के बिहाड़ों में कहीं पनाह ले सकता है, उस वक्त ही मध्य प्रदेश की सीमा पर सख्ती बढ़ा दी गई थी। ग्वालियर चंबल सीमा पर पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया था और इस बात की चप्पे चप्पे पर निगरानी और तलाशी रखी जा रही थी कि कहीं विकास दुबे अगर इस रास्ते से गुजरता है या छुपने की कोशिश करता है तो उसे पकड़ा जाएगा। लेकिन वहां से क्रॉस किया या किसी और जगह से उसने सीमा को क्रॉस किया, इसके बाद कई और जिलों को क्रॉस करते हुए वो उज्जैन तक पहुंचा। बहरहाल खबर है कि सुबह उसे उज्जैन में महाकाल मंदिर के पास से पकड़ लिया गया। उसके बाद उज्जैन पुलिस उससे गहन पूछताछ कर रही थी। अब से कुछ देर पहले यूपी एसटीएफ की टीम पहुंची और विकास दुबे को चार्टर्ड प्लेन से लेकर फिलहाल उत्तर प्रदेश की तरफ उड़ गई है। कानपुर जाएगी या लखनऊ जाएगी फिलहाल तय नहीं है, लेकिन अब विकास दुबे से जो कुछ पूछताछ मध्य प्रदेश की पुलिस कर रही थी फिलहाल उस पर विराम लग गया है। आगे की पूछताछ का जिम्मा अब यूपी एसटीएफ के जिम्मे। तो तस्वीर आपको उस वक्त की दिखा रहे हैं जिस वक्त विकास दुबे को उज्जैन के महाकाल से गिरफ्तार किया गया, सुबह की तस्वीरें हैं। उसके बाद अपडेट ये रहा कि मध्य प्रदेश की पुलिस लगातार विकास दुबे से पूछताछ करती रही। मध्य प्रदेश में उसके संपर्क को तलाशने और खंगालने की कोशिश मध्य प्रदेश पुलिस करती रही, लेकिन जिस तरह की खबरें उस पूछताछ के दौरान बाहर आईं वो यही कि विकास दुबे लगातार पुलिस को गुमराह करता रहा। कभी किसी का नाम और कभी किसी का नाम, कभी किसी रास्ते सेंटर होने की बात कहता रहा, कभी किसी रास्ते सेंटर होने की बात कहता रहा और आखिरकार यूपी पुलिस मध्य प्रदेश पहुंच गई, उज्जैन पहुंची। एसटीएफ की टीम उसे लेकर यूपी की तरफ रवाना हो गई है। आगे की जांच उसकी यूपी में होगी। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या करने वाला यूपी का दुर्दांत गैंगस्टर विकास दुबे आज उज्जैन से महाकाल मंदिर परिसर में गिरफ्तार कर लिया गया। 2 जुलाई को कानपुर में हत्याकांड को अंजाम देने के बाद से ही यूपी सहित एक तरह से पूरे देश की पुलिस विकास दुबे की तलाश में थी। विकास दुबे की उज्जैन महाकाल से गिरफ्तारी पुलिस की बड़ी सफलता मानी जा सकती है, लेकिन पुलिस की ये सफलता कई सारे सवालों के घेरे में भी है। और सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि आखिर विकास दुबे उज्जैन महाकाल क्यों आया, और जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी का पूरा घटनाक्रम चला उससे सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि क्या विकास दुबे खुद को गिरफ्तार करवाने के लिए ही महाकाल आया था। अगर इसका उत्तर हां है तो उसने आखिर ऐसा क्यों किया? क्या वो अपने साथियों के लगातार हो रहे एनकाउंटर से डर गया था? उसे इस बात का डर था कि यूपी पुलिस उसका भी एनकाउंटर कर सकती है। ऐसे में उज्जैन उसके लिए मुफीद था क्योंकि महाकाल परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, सैकड़ों जगह सीसीटीवी कैमरे रखे हैं जिस पर जिनकी नज़र हर एक पर होती है, तो उन कैमरों की नज़र में आकर वो अपनी गिरफ्तारी साफ तौर पर देना चाहता था और इस गिरफ्तारी के जरिए वो अपनी जान बचाना चाहता था। और अगर ऐसा है तो विकास दुबे इसमें सफल भी रहा। और जो कुछ बातें हमने कही और जो कुछ सवाल हमने खड़े किए, इस खास कार्यक्रम में हम इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की कोशिश करेंगे। इस वक्त चर्चा में मेरे साथ जुड़ रहे हैं चैनल हेड शरद द्विवेदी और हमारे सीनियर रिपोर्टर जुगल किशोर शर्मा। जुगल, इससे पहले कि मैं चर्चा शुरू करूं, फिलहाल आपसे अपडेट जानना चाहूंगा, क्या कुछ अपडेट है वो बताइए, फिर हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि सवाल इस गिरफ्तारी के बाद बहुत बड़े बड़े खड़े हो रहे हैं। चलिए जुगल तक मेरी आवाज शायद नहीं जा रही है, मैं सीधे रुख करूंगा शरद द्विवेदी जी की तरफ। शरद जी, जुगल से मैं बाद में इस पूरी खबर पर अपडेट लूंगा, लेकिन यह है कि इस गिरफ्तारी के बाद हालांकि यूपी एसटीएफ अब विकास दुबे को लेकर रवाना हो चुकी है, लखनऊ जाएगी या कानपुर जाएगी फिलहाल साफ नहीं है,
लेकिन गिरफ्तारी के बाद कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। ये सवाल न सिर्फ मीडिया खड़ी कर रही है बल्कि सोशल जो प्लेटफॉर्म है, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है, उनमें भी खड़े हो रहे हैं। विकास दुबे का मध्य प्रदेश आना, तमाम जिलों की सीमाओं को क्रॉस करते हुए उज्जैन तक पहुंचना और उज्जैन में भी एक ऐसी जगह पर गिरफ्तारी देना जहां पर सैकड़ों लोगों की भीड़ हर वक्त मौजूद रहती है, दर्जनों कैमरे लगे होते हैं जिसकी निगरानी में आने वाला हर शख्स उसमें कैद होता है। क्या ऐसा महसूस हो रहा है कि विकास दुबे किसी रणनीति के तहत उज्जैन आया था? और अगर ऐसा है तो विकास दुबे अपनी रणनीति में कामयाब भी हुआ है? देखिए सोहेल, बहुत साफ़ हैं बहुत सारी चीज़ें, बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की उनमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो चीज़ें बहुत साफ़ हैं कि अगर उसको किसी मंदिर से ही गिरफ्तार होना था और किसी प्रख्यात मंदिर से गिरफ्तार होना था तो वो काशी विश्वनाथ मंदिर वाराणसी से भी गिरफ्तार हो सकता था। अगर शिव भक्ति उसके भीतर इतनी थी तो उत्तर प्रदेश में भी प्रख्यात और प्रसिद्ध शिव मंदिरों की कमी नहीं है। जी, ये बात बहुत साफ़ है, बहुत पानी की तरह साफ़ है ये बात कि वो उत्तर प्रदेश में जानता था कि उसका इनकाउंटर होगा। जैसा उसने पुलिस पूछताछ में बताया भी उज्जैन में कि उसने, हालांकि ये उसकी एक चाल भी है, लेकिन वो डरा हुआ तो था, नहीं तो अंडरवर्ल्ड या जितने भी इस तरह के कुख्यात बदमाश हैं उनमें एक बात बहुत साफ रहती है और ये बात उनको समझाई भी जाती है कि पुलिस पर हाथ मत उठाना, ख़ासतौर से पुलिस पर कोई प्राणघातक हमला करना और वो भी किसी पुलिस पार्टी पर। ये नक्सलियों का तरीका होता है कि वो घात लगाकर हमला करते हैं या फिर लैंडमाइंस एक्सप्लोशंस करते हैं, क्योंकि उनका टारगेट यही होता है कि वो सबका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए इस तरह की घृणित वारदातों को अंजाम देते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि जो माफिया गैंग्स होते हैं वो कभी पुलिस पर सीधा हमला नहीं करते, अगर उनकी जान पर बन आती है तो वो एक अलग विषय होता है, लेकिन जिस तरह से पुलिस पार्टी गई वो बिल्कुल इसके लिए तैयार नहीं थी कि वहाँ इतना भयानक हमला पुलिस पर किया जा सकता है विकास दुबे की तरफ से। और यही वजह है, और उसकी बड़ी वजह यही थी कि विकास और उसकी टीम के पास शायद ये टिप ऑफ था कि उन्हें उनको इनकाउंटर करने की तैयारी है या उनको मारने की तैयारी है। गलती हुई विकास दुबे से और भयानक गलती हुई, और इस गलती का खामियाजा उसको अब उठाना भी है और उसने उठाया भी है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि वो किस तरह आ गया, करीब करीब चार राज्यों की सीमाओं से गुजरता हुआ या चार राज्यों से होता हुआ 1250 किलोमीटर के आसपास का सफ़र तय करता हुआ वो उज्जैन तक पहुंच गया। एक बार हमारी बहुत सीनियर पुलिस ऑफिशियल से बात हो रही थी जिन्होंने केंद्रीय स्तर पर भी महत्वपूर्ण दायित्व तो निभाया, केंद्र सरकार में भी। उन्होंने कहा कि बीते 3 दशकों में सबसे बड़ा पुलिस का नुकसान ये हुआ है कि उसका मुखबिरी का नेटवर्क समाप्त हो गया, और दूसरा उन्होंने ये भी माना कि कई कुछ और समस्याएं भी हैं कि करप्शन भी है जिसका एक कारण, जिससे इनकार नहीं किया जा सकता। और जो ये माफिया गैंग्स हैं या जो भी अपराधी हैं, सफ़ेदपोश अपराधी हों या विकास दुबे की तरह ड्रेडेड क्रिमिनल्स हों, ये उस नेटवर्क का बहुत फ़ायदा उठाते हैं जिसमें अधिकारी भी शामिल होते हैं, पुलिस के कर्मचारी भी शामिल होते हैं, और उसके साथ उनकी एक सोशल नेटवर्किंग भी होती है, बल्कि इसमें कई बार मीडिया के लोग भी शामिल होते हैं, मुझे कहने में कोई आपत्ति नहीं है। जी, उत्तर प्रदेश के पूर्व DGP विक्रम सिंह जी जब अभी थोड़ी देर पहले हमारे साथ फोन पर जुड़े थे, उन्होंने भी यही बात कही कि आखिर एक अदना सा जेबकट की हैसियत रखने वाला अपराधी कैसे इतना आगे बढ़कर, इतना भयानक तरीके से आगे बढ़कर एक दुर्दांत अपराधी में बदल जाता है। जी। उन्होंने इसके लिए ब्यूरोक्रेसी और राजनीति के नेक्सस को जिम्मेदार माना था। ठीक। तो वो किस तरह से आ गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए भी ये प्रश्न बहुत बड़ा है कि आपका मुखबिरी का सिस्टम, वो वहाँ से फरीदाबाद पहुँच जाता है, फरीदाबाद से वो किस रास्ते आया ये अभी जाँच का विषय है, और पुलिस इस पर पूछताछ उससे हुई है कि वो राजस्थान से होते हुए मध्य प्रदेश आया और मध्य प्रदेश में भी उज्जैन पहुंच गया। जो उसकी कोशिश थी वो जानता था कि मंदिर के भीतर उसका इनकाउंटर नहीं हो सकता है, मंदिर एक पवित्र जगह है, धर्मस्थल एक पवित्र जगह है। दूसरा, उसने पूरा जिसको आप कहते हैं एक शातिर व्यक्ति जिस तरह से तैयारी करता है, उसने CCTV कैमरों के सामने से वो निकलता रहा जिससे वो रिकॉर्ड बने, उसने वहाँ फोटो खिंचवाई, उसके गुर्गे जो थे वहाँ सक्रिय थे, और इस आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता कि ये उसके गुर्गे थे जिन्होंने टिप ऑफ दिया कि ये देखो, ये आप पहचान रहे हो इस आदमी को, ये कौन है।
और ये जानकारी इसके जरिए पुलिस तक पहुंची। ठीक शरद जी, वो पूरी एक सोची समझी रणनीति के तहत आ सकता है, लेकिन महत्वपूर्ण बात है कि अब वो गिरफ्तार हो चुका है, गिरफ्तार होकर उत्तर प्रदेश पुलिस के हवाले हो चुका है और उत्तर प्रदेश के लिए रवाना भी हो चुका है। ठीक, अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि क्या आगे की परिस्थितियां बनती है। ठीक, मैं इस पर आप चर्चा करूंगा। इस वक्त हमारे साथ RLS यादव साहब, रिटायर्ड IPS अधिकारी हैं, वो भी जुड़ गए हैं। यादव साहब, आपका स्वागत है बंसल न्यूज पर। जी धन्यवाद। मैं आपके पास एक मिनट में आ रहा हूं, लेकिन उससे पहले हमारे रिपोर्टर जुगल किशोर शर्मा के पास एक बड़ा अपडेट है, हम उस पर जा रहे हैं। जुगल, देखिए बाय रोड लेकर रवाना हो चुकी है। उज्जैन से UPSTF और UPSTF के अफसर उज्जैन पहुंच गए थे और उससे पूछताछ के बाद उसको लेकर रवाना हो गए हैं। ये जो बात चल रही थी कि चार्टर प्लेन से ले जाएंगे, लेकिन वो बात सही नहीं निकली, बाय रोड ही उसको लेकर जाएंगे। निश्चित रूप से अब ये पूरा केस UPSTF के हवाले हो गया है। मध्य प्रदेश पुलिस को उसने जो इन्फॉर्मेशन दी थी वो इन्फॉर्मेशन MP पुलिस ने UPSTF से साझा कर ली है, यानी कि जो जो इसके यहाँ संरक्षक थे, जिन जिन के जरिए उसने ये पूरा एक ड्रामा रचा है सरेंडर का, उन सब के बारे में UPSTF को जानकारी दे दी गई है। विकास के बाद अब उन लोगों पे भी UPSTF की निगाह है जो विकास को संरक्षण दे रहे थे मध्य प्रदेश में। ये कहा जा रहा है कि जो गार्ड था जिसने उसको पहचाना था, उसको भी पुलिस ने संदिग्ध माना है कि उसको मतलब तमाम इतने ऐसी परिस्थितियों में उसको पहचान कैसे लिया, और पहचानने के बाद उसको विकास दुबे की पहचान बताया सबको कि ये विकास दुबे है। तो ये सब चीजें पुलिस को एक जो ड्रामा था, ये पूरा एक तरीके से षड्यंत्र था। पुलिस को ये लगता है कि पूरा एक प्लानिंग के साथ वो वहां पहुंचा है, प्लानिंग के साथ उसने अपने आप को विकास दुबे साबित किया है जानबूझ के। जब वो बाहर पुलिस कर्मियों के से जब उसने पुलिस कर्मियों ने उसको हिरासत में ले लिया था, तब उसने चिल्लाया था कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला। तो ये एक पूरी प्लानिंग के साथ हुआ है ताकि उसका एनकाउंटर ना हो जाए, लेकिन अब वो यूपी पुलिस के हवाले है। कोर्ट में किसी प्रकार का कोई मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड नहीं है, ना वो कोर्ट में पेश हुआ है, ना कोर्ट में उसकी पेशी हुई है। अब यूपी पुलिस के हवाले हो चुका है और यूपी पुलिस अपराधियों से निपटना बेहतर तरीके से जानती है। जुगल जुगल आप हमारे साथ बने रहिए, अब हम चलेंगे RLS यादव साहब के साथ, रिटायर्ड IPS हैं। यादव साहब, आपके पास आना चाहूंगा। विकास दुबे की गिरफ्तारी सवालों के घेरे में है, इसलिए नहीं कि वो विकास दुबे गिरफ्तार हुआ या कोई और, बल्कि इसलिए कि जिस तरह से उसकी गिरफ्तारी हुई है, ये पुलिस के लिए यकीनन एक बड़ी सफलता है। लेकिन क्या ये सफलता विकास दुबे के लिए भी है? क्या किसी रणनीति के तहत वो उज्जैन आया था? क्या उसके भीतर अब ये डर और खौफ पैदा हो गया था कि जिस तरह से पुलिस ने उसके तमाम साथियों को एनकाउंटर कर दिया, अगली बारी विकास दुबे की थी? आपका एक लंबा करियर रहा है, लंबा अनुभव रहा है, कई बार ऐसे मुजरिमों से आपका सामना हुआ होगा, कई बार आपने ऐसे केस की स्टडी की होगी जिसमें अपराधियों में जब मौत का खौफ पैदा होने लगता है तो वो किस तरह से छटपटाहट महसूस करते हैं, और क्या विकास दुबे की कहानी उसी तरह के अपराधी से मिलती जुलती है? सही कह रहे हैं, इनकी कहानी बिल्कुल उसी से मिलती जुलती है। इन्होंने सरेंडर करने का एक ड्रामा किया कि वो गिरफ्तार हो रहे हैं, खबर कर दी कि ये तो दुबे आया हुआ है, किसी को बता दिया पुल वाले को, इनके दो तीन आदमी और साथ थे तो उनसे कलवा दिया ताकि एक लोग दुबे आया। तो इन्होंने एक माया जाल बिछाया इस तरह से कि ऐसा प्रतीत हो कि वो गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार नहीं, अपनी मर्जी से वो आए हैं यहाँ। वो गिरफ्तारी इसलिए कि मध्य प्रदेश पुलिस पकड़ के इनकाउंटर नहीं करती है, ये बहुत दिन से ख्यात है। यूपी वाले सब क्रिमिनल जानते हैं कि मध्य प्रदेश पुलिस कानून के अनुसार ही कार्रवाई करती है। तो इन्होंने क्या किया है कि अपना एक खबर दी, महाकाल में इनकाउंटर होगा नहीं, सबसे सेफ प्लेस यही है, महाकाल वो आता रहा है पहले से भी। तो उसने एक प्लान बना के बाकायदे यहाँ आया ऐसा प्रतीत होता है और यहाँ अपने को गिरफ्तार करवाया है। ठीक, यादव साहब बने रहिए। शरद जी नमस्कार। यादव साहब, शरद द्विवेदी बात कर रहा हूँ, और एक बहुत ही अलग मिजाज के अफसर हमारे साथ जुड़े हैं, सेवानिवृत्त, लेकिन एक लेखक के तौर पर भी वो बहुत पहचान रखते हैं। यादव साहब, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं हुआ विकास दुबे, और पहले इसकी पूरी संभावना थी। मैं इसके तकनीकी पक्ष को जानना चाहूँगा कि न्यायालय में उसकी पेशी नहीं हुई और सीधे उत्तर प्रदेश की पुलिस उसको अपने साथ ले गई है, इसके हम क्या मायने निकालें? इससे पुलिस को क्या सहूलियत होगी उत्तर प्रदेश पुलिस को? देखिए,
एक्चुअली चाहिए था कि किसी को आप गिरफ्तार करिए तो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के सामने ले जाना चाहिए था जी, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, तो वो 24 घंटे के भीतर पहुंच जाएंगे उत्तर प्रदेश के किसी मजिस्ट्रेट के पास, इस तरह की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन न्याय संगत ये होता है कि यहाँ बाकायदे संबंधित रिमांड लेते उसका और उसको ले जाते हैं, लेकिन सीधे पुलिस ले गई है वो 24 घंटे वाली बाध्यता तो है, जब गिरफ्तार हो तो 24 घंटे के भीतर नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ पेश करना जरूरी है। अब गिरफ्तार करके नियरेस्ट मजिस्ट्रेट 24 घंटा जहाँ पूरा होगा वो जहाँ से या कहीं भी पेश करेंगे मुझे लगता है, लेकिन न्याय संगत यही होता कि उनको गिरफ्तार यही करते, ट्रांजिट रिमांड ले लेते और उसके बाद ले जाते। आपने ठीक कहा, अब अगर हम ये भी माने कि उस विकास दुबे को नियरेस्ट जो मध्य प्रदेश से लगा हुआ क्षेत्र है झांसी ग्वालियर के पास वहाँ ले जाया जाता है तो कम से कम 6-7 घंटे लगेंगे, यानी देर रात तक झांसी पहुँचेंगे और उसके बाद ही पे, क्योंकि 24 घंटे के भीतर की बाध्यता, आप रात 9 बजे गिरफ्तार हुआ है तो कल सुबह 9 बजे तक के पहले पहले कहीं ना कहीं उसको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा, तो ये प्रक्रिया रात में ही संभावित दिख रही है यादव साहब? ये कर लेंगे ये लोग पकड़ के ले जाने के, मतलब मजिस्ट्रेट के सामने नहीं ले गए तो वो लूप होल तो नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि बाद में उसको रिहाई मिल जाएगी, इनका जो गिरफ्तारी थी वही गलत थी, न्याय संगत नहीं थी। अब वो तो बड़ा शातिर क्रिमिनल है, आप देखिए कि किस तरह का उसने एक षड्यंत्र करके माया जाल बिछाया, आपने तो गिरफ्तार करवाया और इतनी एविडेंस क्रिएट कर दी कि इनकाउंटर नहीं कोई कर सकता है, चिल्ला जिला के अपना नाम बताया, तो बड़ा शातिर बदमाश है, बहुत दिन से वो चल रहा है। और आप देखिए साहब उसके संपर्क कितने होंगे, वो बेल पर है इतने अपराधों के बावजूद भी क्राइम कर रहा है, उसके पास सब हथियार हैं जिससे पुलिस को उसने मारा है, ये हथियार कैसे अलाउ हुआ है उसके पास, पुलिस क्या करती रही उत्तर प्रदेश की? तो ये अनेक क्वेश्चन हैं जो कि गैंगस्टर हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई न होना ये तो हमारे प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि ये पुलिस वाले थाने में कार्रवाई, थाने में उसने मर्डर किया था, मारे डर के गवाही नहीं दी, मतलब इतना भय है उनका, और ये भय खत्म करना अच्छा, यहाँ मध्य प्रदेश में तो इस तरह का सौभाग्य से नहीं है, ऐसे क्रिमिनल नहीं है जिनसे पुलिस डरती हो, उत्तर प्रदेश में तो मुझे लगता है कि ऐसे क्रिमिनल हैं जिनसे पुलिस डरती है। आपने ठीक कहा सर, और मैं ये भी आपको बताऊं कि एक्स डीजीपी उत्तर प्रदेश से हमारी दोपहर में बात हुई विक्रम सिंह जी से, और उन्होंने मध्य प्रदेश पुलिस को बड़ा अप्रिशिएट किया और उन्होंने कहा कि मेरा अपने करियर के दौरान कई बार मेरा साबका पड़ा मध्य प्रदेश पुलिस से, और वो एक वेल बिहेव्ड प्रोफेशनल और बहुत ही डिसिप्लिन्ड पुलिस फोर्स है और इसलिए हम बड़ा रिगार्ड करते हैं उसका। मैं आखिरी सवाल कर रहा हूँ सर आपसे, उसको विकास दुबे को अपने इनकाउंटर की आशंका है, वो जितने एविडेंस क्रिएट करके गया है, ये बात तो बहुत साफ है कि उसने सारे एविडेंस इसीलिए क्रिएट किए, सीसीटीवी के सामने आना, मैं विकास दुबे कानपुर वाला ये कहना, और इसके बाद वो जिस तरह से गया है, क्या तकनीकी तौर पर वो अपने को ये मान रहा है इतना शातिर बदमाश है कि अब मैं सुरक्षित हूँ, मेरा इनकाउंटर नहीं हो सकता? हाँ, उसे भय तो है, मन में तो भय है कि इनकाउंटर नहीं, इनकाउंटर होगा, इसीलिए उसने सब एविडेंस क्रिएट की, लेकिन अब आगे क्या होता है किसको पता है, आप देखिए 2-4 दिन में। बिल्कुल, आगे क्या होता है ये किसको पता है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, क्या परिस्थितियां बनती हैं, क्या परिस्थितियां होती हैं, ये किसी को नहीं मालूम है। बहुत बहुत धन्यवाद यादव साहब बातचीत करने के लिए। तो आगे क्या होगा सोहेल, ये किसी को नहीं पता है, न्यायालय में प्रस्तुत नहीं किया गया है कोई। यादव साहब लाइन पे हैं क्या? यादव साहब जी एक सवाल मेरा रहेगा शरद जी, बतौर पुलिस अधिकारी हम उनको फिर एक बार फिर हम प्रयास करेंगे, समय कम है इसलिए दोबारा नहीं जोड़ने जा रहा, की टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक बार हम और जोड़ें आपका जो सवाल है, जब तक आप उसको दर्शकों के सामने भी रख सकते हैं। सोहेल, सवाल ये है शरद जी कि पहले जानकारी मिली कि UPSTF उसे चार्टर्ड विमान के जरिए UP ले गई है, लखनऊ या कानपुर जा सकती है, उसके फौरन बाद ही जुगल ने हमें अपडेट किया कि सड़क के रास्ते इस वक्त विकास दुबे को ले जाया जा रहा है। विकास दुबे जब कई राज्यों की सीमा क्रॉस करके मध्य प्रदेश के उज्जैन तक आ सकता है तो उसके जो संपर्क सूत्र हैं उससे इनकार नहीं किया जा सकता। मैं उन रास्तों के जो खतरे हैं उन पर बात करना चाह रहा था यादव जी से
कि क्या इतने लंबे रास्ते में, और अब कुछ ही देर में सूरज डूबने वाला है, अंधेरा हो जाएगा, कई सौ किलोमीटर का सफर। उसका जवाब सोहेल यादव जी ने दे दिया है, आगे क्या होगा ये कौन जानता है। चलिए जुगल इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जुगल फिलहाल क्या कुछ अपडेट है, समय कम है, जल्दी चाहूंगा आपसे। देखिए अब जो आपने सवाल किया है मैं उसका जवाब दे देता हूँ। देखिए निश्चित रूप से ये इनपुट भी पुलिस को मिले हैं कि रात को उसको ले जाना बहुत खतरे से खाली नहीं है, उसकी गैंग बड़ी गैंग है और बड़ी गैंग के जरिए वो अपने आप भागने की कोशिश कर सकता है या फिर वो खुद को पुलिस से बचाने की रात में कोशिश कर सकता है, भाग सकता है। तो ये भी एक इनपुट्स मिले हैं, इसलिए पुलिस अलर्ट है और जो UPSTF आई है वो हथियारों से लैस है। रात को ये भागने की कोशिश कर सकता है, उसके गैंग के सदस्य जो हैं वो उसके ऊपर पुलिस के ऊपर हमला कर उसको छुड़ाने की कोशिश कर सकते हैं, इस तरह के इनपुट्स मिले हैं और इसलिए यूपी पुलिस अलर्ट है। तो जैसा कहा जा रहा है कि आगे क्या होगा, अगले 24 घंटे में कहा नहीं जा सकता, तो कुछ इस तरह के इनपुट्स मिले हैं कि ये भागने की कोशिश करेगा या इसके गैंग के साथी इसको छुड़ाने की कोशिश करेंगे। चलिए यकीनन जो सवाल हमारे जहन में था वो पुलिस अधिकारियों के जहन में भी आया होगा। इसी के बाद तमाम तरह की एहतियात के साथ विकास दुबे को उज्जैन से यूपी की तरफ ले जाया जा रहा है। फिलहाल मैं इस चर्चा को रोकना चाहूँगा। शरद जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और जुगल किशोर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड IPS RL यादव साहब जुड़े थे। यादव साहब ने भी हमें बहुत महत्वपूर्ण बातें तमाम इस खबर से जुड़ी दिखाई। फिलहाल चलते चलते आपको खबर बता दें, उज्जैन से ही खबर है। पुलिस पूछताछ में विकास दुबे का जो कबूलनामा है उसमें उसने ये कबूल किया है कि उसे एनकाउंटर का डर था। 8 पुलिसकर्मियों की हत्या मामले में भी विकास ने अपनी जबान खोली है। उसने कहा है कि मैं पुलिस वालों के शव को जलाना चाहता था। इसके अलावा उसने अपने साथ जो लोग शामिल थे इस हत्याकांड में उन सबको अलग अलग दिशाओं में भागने के लिए भी निर्देशित किया था या कहा था कि अलग अलग दिशाओं में सबको भागना है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उसने पूछताछ के दौरान उज्जैन पुलिस को बताई हैं। पीयूष पारे इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पीयूष और क्या कुछ कहा विकास ने? देखिए बिल्कुल सोहेल, जिस तरीके से उज्जैन में ये पूरा घटनाक्रम हुआ, विकास सुबह यहीं से पकड़ाया, उसके बाद में पुलिस लगातार यही पूछताछ कर रही थी कि आखिर कैसे उत्तर प्रदेश से कहीं ना कहीं यहाँ पर भागने में कामयाब हुआ। और जिस तरीके की जानकारी निकल कर आ रही थी कि फरीदाबाद से सीधे तौर पर वो मध्य प्रदेश में एंटर हुआ और यहीं से वो कहीं ना कहीं उज्जैन पहुंचा था, तो ये कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा मुख्य इसमें पॉइंट था कि कैसे पुलिस इस बारे में पड़ताल करे। और जो एनकाउंटर यहाँ पर कानपुर में हुआ था, जिसके बाद में देश भर में लगातार यही सवाल उठ रहा था कि विकास दुबे आखिर कहाँ पर है, तो उस पूरे मामले में यहाँ पर पुलिस की पूछताछ में फिलहाल ये जानकारी निकल कर सामने आई है कि एनकाउंटर का कहीं ना कहीं यहाँ पर विकास दुबे को डर था और इसी के चलते वह फरीदाबाद से भागकर सीधे तौर पर मध्य प्रदेश पहुंचा और उसके बाद में उज्जैन यहाँ पर पहुंचा और उसके बाद उसने उज्जैन में यहाँ पर एक तरह से हम लोग कहें जो जानकारी है कि सरेंडर कर दिया। दूसरी तरफ 8 पुलिसकर्मियों की हत्या के बावजूद भी यहाँ पर ये जो बदमाश था, एक कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे, वह उन तमाम पुलिस वालों की लाशों को जलाना भी चाहता था, ऐसी जानकारी भी पुलिस की पूछताछ में यहाँ पर सामने आई है। दूसरा एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि आखिर उसकी गैंग में कौन कौन से लोग शामिल हैं, तो जो यूपी में अलग अलग जगहों पर उसका आतंक था, जहाँ पर उसके साथी थे उन्हें उसने भागने के लिए कहा था और अलग अलग जो है वो राज्यों में यह छुपने की बात भी उसने कही थी, ऐसी बात भी फिलहाल यहाँ पर पुलिस की पूछताछ में निकल कर सामने आई है। ठीक है, आप नजर बनाए रखिए पीयूष। बंसल न्यूज के एक सवाल पर कम से कम विकास दुबे जाते जाते अपनी मोहर लगा गया है। वो ये कि बंसल न्यूज ने सबसे पहले ये बात कही थी कि विकास दुबे को अपनी जान का खतरा था, जान का डर उसके भीतर बैठ गया था, उसे अपने मरने का डर सता रहा था, इसीलिए शायद वो उज्जैन पहुंचा। और अब ये शायद शब्द जो है यहां से हट जाएगा क्योंकि विकास दुबे ने अपने कबूलनामे में खुद ये बात कही है कि उसके भीतर मौत का खौफ बैठ गया था और इसीलिए उसने सरेंडर किया उज्जैन में महाकाल मंदिर में। तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए बंसल न्यूज के साथ। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।